दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्नोमिक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। कभी कभी फंबल हो जाता हूं। रियलमी वी फाइव नाम तो सुना होगा आपने, नहीं सुना है? ये एक स्मार्टफोन है जो कि चाइना में लॉन्च होने वाला है जल्दी ही अगस्त के महीने में। इसके ऊपर पहले मैंने वीडियो बनाया था, सारी चीजें बताने वाला हूं इस स्मार्टफोन के बारे में, कब लॉन्च हो रहा है, क्या इंडिया आएगा कि नहीं, किस नाम से आएगा, सारी चीजें और क्या स्पेसिफिकेशन हो सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। उसके पहले बता दूं इंस्टाग्राम वाला देख सकते हो जाके, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इंस्टाग्राम पे जाके पूछो, मैं आंसर देता हूँ वहाँ पे, कंफर्म आंसर देता हूँ। यहाँ का क्या होता है कि कभी कभी कमेंट मिस हो जाते हैं क्योंकि सारे कमेंट मेरे सामने आते हैं, अगर कोई करी है तो इंस्टाग्राम पे पूछे जाके, वहाँ पे कंफर्म आंसर देता हूँ। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना कि पसंद आया। लेट्स गेट। Realme V5, मुझे नहीं पता V1, V2, V3, V4 कहाँ गए, लेकिन V5 आ रहा है। 3rd of August को चाइना में लॉन्च होगा और उसके बाद पॉसिबली अगले एक महीने में ये इंडिया में भी आने वाला है। और आपने सुना होगा Realme 7 सीरीज आ रही है, कहा जा रहा है कि ये स्मार्टफोन Realme 7 सीरीज ही है। इसमें एक प्रो वेरिएंट भी होगा, तो Realme 7 और Realme 7 Pro दो स्मार्टफोन याद है, तो वैसे Realme V5 और Realme V5 Pro। अब V5 Pro के बारे में ज्यादा कुछ खास पता नहीं चला है, लेकिन V5 के बारे में जो चीजें पता चली हैं, Pro के बारे में कुछ चीजें पता चली हैं वो भी बताऊंगा, सारी चीजें। सबसे पहले स्पेसिफिकेशन, 6.5 इंच का इसमें IPS का पैनल मिलने वाला है आपको, वो भी पंच होल के साथ साइड में, देखने में अच्छा लग रहा है। लेकिन इसमें कहा जा रहा है 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आ सकता है, देखेंगे वो आएगा तो पता चलेगा। फुल HD प्लस का होगा, 1080 रिजोल्यूशन वाला। गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन होगा, आप कौन सा होगा वो अभी बाद में पता चलेगा, मेरे ख्याल से 3 या 5 दे दे। चलिए रियर साइड पे जाओगे तो रियलमी की बड़ी सी ब्रांडिंग दी हुई है जो कि कूल लगती है, लेकिन कॉपीड है हॉनर के, मालूम है हॉनर 30 आया था उसको कॉपी किया गया। क्वाड कैमरा का सेटअप है, अच्छा लगता है देखने में एंड सारी चीजें, स्मार्टफोन देखने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन डिजाइन कॉपी। अब बात करते हैं चिपसेट की। पहले जो लिस्ट हुआ था टेना वेना पे, दो तीन जगह पे वहां पे पता चला था 2 GHz का चिपसेट आने वाला है, तो लोग कह रहे थे 5G होने वाला है, तो लोग कह रहे थे कि इसमें Dimensity 800 का चिपसेट आएगा, लेकिन 4-5 दिन पहले अभी 720 लिस्ट हुआ है, मालूम है ना, लॉन्च हो गया 720 Dimensity वाला। हाँ, वो 720G नहीं Snapdragon का, Dimensity 720 जो कि 5G चिपसेट है, 2 GHz पे क्लॉक्ड है, माली का GPU है, गेमिंग सब कर सकते हो। स्कोर की बात करें तो 300,000 के आसपास स्कोर जाता है, यानी G90T से थोड़ा सा ऊपर है, और 5G भी है, ये भी प्लस पॉइंट है इसका, तो सारे गेमिंग वेमिंग सब कुछ कर लोगे, परफॉर्मेंस मिड रेंज के हिसाब से धमाकेदार है दोस्तों। देखेंगे इसी भी आने वाला है कह रहे हैं, एंड एंड्रॉइड 10 के साथ आएगा, रियलमी UI के साथ आएगा, थोड़े से ब्लूटूथ रहेंगे लेकिन आप डिलीट कर सकते हो, लेकिन उनके अपने फीचर्स होते हैं। तो ये स्मार्टफोन आ रहा है, परफॉर्मेंस इसमें यही मिलने वाला है दोस्तों। कैमरा रियर साइड पे क्वाड होगा, 48+8+2+2 वाला, 48 मेगापिक्सल वाला कौन सा होगा तो उसी दिन पता चलेगा, मेरे हिसाब से GM1 को। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावायलेट सेंसर होगा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर होगा, 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो लेंस मिलने वाला है। फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल कैमरा होगा, रियर साइड से आप 4K कर सकते हो, फ्रंट से 1080 रियर साइड पे फ्लैश होगा, फ्रंट में नहीं होगा। कैमराज अच्छे होने वाले हैं, बोके पैनोरमा HDR सब कुछ कर लोगे, कुछ स्पेशल फीचर्स आ जाए स्लोमो एंड तो अलग बात है, नाइट मोड देते ही हैं, तो डिसेंट कैमराज, प्राइस के हिसाब से कैमराज डिसेंट होने वाले हैं दोस्तों। अब आते हैं बैटरी पे, 4900mAh की बैटरी लिस्ट हुई थी जो कि राउंड फिगर करो तो 5000 होता है, तो 5000mAh की बैटरी आती है, एंड इसके साथ साथ आपको 30W का चार्जर आने वाला है एंड टाइप सी का पोर्ट भी होगा, तो अच्छी चीज है, सब कुछ मिलने वाला है। प्रो वाले में पता चला है कि बैटरी थोड़ी सी छोटी होगी जो कि 4500mAh की होगी एंड, लेकिन उसमें 65W का चार्जर आएगा, तो यही डिफरेंस है इसमें और प्रो में, और प्रो के बारे में यही पता भी चला है, इसके अलावा कुछ खास पता नहीं चला है। तो बैटरी आपको इसमें तो बड़ी मिलने वाली है 5000mAh की, उसका 30W का चार्जर और टाइप सी का पोर्ट भी होने वाला है दोस्तों। देन सेंसर्स की बात कर लें, आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आएगा क्योंकि IPS का पैनल है और रियर साइड पे दिख नहीं रहे, अच्छी चीज है। देन उसके साथ साथ फेस अनलॉक रहेगा, एक्सेलेरोमीटर, एम्बेडेड लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, वाइड वाइन L1, 3.5mm जैक, कैमरा 2 API सब मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हो सकता है डॉल्बी एडवांस का आपको सपोर्ट भी मिले, सुनने को तो मिला है, वो देखने वाली बात होगी लाते हैं कि नहीं, तो सेंसर्स एंड अदर्स के डिपार्टमेंट में आपको ज्यादा कुछ इश्यूज नहीं है। स्लॉट की बात कर लें, डेडिकेटेड होगा, 2 SIM कार्ड के साथ SD कार्ड लगा सकते हो, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। वेरिएंट अभी पता चला है कि इसमें 4GB वेरिएंट नहीं आएगा, 6GB 128GB और 8GB 256GB से स्टार्ट होने वाला है, एंड 6GB 128GB का प्राइसिंग 15,000 से 16,000 के आसपास होगा। अब वो 5G है देखने वाली बात होगी, लेकिन लीक से पता चल रहा है 15,000 से 16,000 के आसपास होगा, जैसे आएगा वैसे उसके बारे में बता दूंगा, प्राइसिंग एक पता चल रहा है कि 15,000 के आसपास से ही शुरू होने वाला है दोस्तों। तो वेट कर रहे हो कि नहीं स्मार्टफोन का, जरूर बता देना कैसा लगा स्मार्टफोन, जरूर बता देना, पसंद आया लाइक कर दो स्मार्टफोन,
हाँ लाइक कर दो वीडियो, फिर भी लाइक कर दो, नहीं पसंद आया डिसलाइक करके बता दो। अभी के लिए इतना ही, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, चेक कर सकते हो साइड में। और हाँ, वो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर लेना, एंड कोई भी क्वेश्चन आप पूछो आके मैं वहाँ पे आंसर देता हूँ। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। साइड में हाँ वो बट्टे में जो ना उस पर क्लिक करके सपोर्ट कर देना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ना कहना साथ अगले दोस्तों।